शन्नो मित्रः शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शान्ति शान्ति शान्तिः। अगला प्रश्न, क्या मोक्ष का समय सभी के लिए एक सा बराबर रहता है या कर्मानुसार कम या ज्यादा रहता है? अगर कम या ज्यादा रहता है तो इसका कोई प्रमाण है? तो सब आत्माओं के लिए मुक्ति का मोक्ष का समय बराबर रहता है। जैसे कि कल आपके सामने बात रखी थी, 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े इतना समय वर्ष की दृष्टि से, मानव वर्ष की दृष्टि से 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मानव वर्ष, और ब्रह्म वर्ष लें, परमात्मा के वर्ष लें तो 100 ब्रह्म वर्ष ये मुक्ति का काल है और सबके लिए समान है। मुक्ति के काल से बीच में कोई लौट करके भी नहीं आता है, वो आने की इच्छा भी नहीं करेगा और ना परमात्मा उसको भेजता है। हम कई बार भावनाओं में ये कह देते हैं कि फला महापुरुष अपनी मुक्ति को बीच में छोड़ करके समाज के कल्याण के लिए आया था, ऐसा कभी नहीं है। वेदांत दर्शन में एकदम स्पष्ट आता है कि मुक्तात्माएं जगत व्यापार से रहित होती हैं। संसार में जो व्यापार चल रहा है उसमें वो कोई हस्तक्षेप भी नहीं करती हैं और ना उसके लिए कोई प्रयत्नशील होती हैं। उन्हें पता है कि परमपिता परमात्मा जो सबकी रक्षा कर रहा है, उसने जो व्यवस्था करनी है वो कर रखी है। वो आत्मा अलग से कुछ नहीं कर सकता, वो मुक्ति में ही रहते हैं। तो मुक्ति से बीच में आ भी नहीं सकते, लेकिन ये कोई बंधन नहीं है, वो आना ही नहीं चाहता है, वो स्वतंत्र है, आनंद से युक्त है। और मुक्ति कर्म के अनुसार से नहीं होती है। ऐसा विचार आए कि हम बहुत पुण्य कर्म करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, जो पुण्य कर्म है, सकाम पुण्य कर्म है, उनसे हमें अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, ये चीजें प्राप्त होती हैं और उससे हम और उन्नति करते हैं। इस रूप में परोपकार के पुण्य के कर्म हमारी मुक्ति में सहायक होते हैं, लेकिन मुक्ति कर्मों के आधार पर नहीं मिलती है कि अब इसके बहुत सारे पुण्य हो गए हैं, इतने पुण्य हो गए और अब इसको मुक्ति मिलनी चाहिए। पुण्य कर्म मुक्ति का आधार नहीं होते हैं। मुक्ति तो ज्ञान से होती है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। जिस दिन व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जड़ और चेतन, परमात्मा क्या है, संस्कार क्या है, वो सत्य को सत्य जान लेता है, अनित्य को अनित्य, अशुचि को अशुचि, दुख को दुख, सुख को सुख, और मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, इस सब को जान लेता है, उसको विवेक हो जाता है और अपनी अविद्या के संस्कारों तक को वो दग्धबीज कर देता है। वृत्ति के स्तर पर तो हटा ही देता है, संस्कारों के स्तर पर भी उसको शुद्ध कर देता है। बस ये योग्यता है मुक्ति प्राप्ति के लिए। ये ज्ञान एक पुस्तक पढ़ने से हो चाहे हजार पुस्तकें पढ़ने से हो, 10 शिविर करने से हो, 10 जन्मों में हो, या एक ही शिविर से हो जाए, बिना दूसरे से सुने स्वयं भी हो जाए, संसार को देख देख करके ही बोध हो जाए, कैसे भी हो, एक दिन में हो चाहे एक जन्म में हो चाहे 100 जन्मों में हो, कितने भी हम कर्म करें, यह स्थिति हमें बनानी है। यह स्थिति जब भी बन जाएगी बस तभी मुक्ति हो जाएगी। उपासना कितने घंटे की है, कितने वर्षों तक की है,
ये भी वहां कोई गणना नहीं होती है कि इतनी उपासना हो जाए परमात्मा की, क्षमा करें, परमात्मा की इतनी भक्ति हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का स्मरण हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे में शुद्ध संस्कार, शुद्ध ज्ञान बने और शुद्ध ज्ञान के अनुसार हमारे कर्म शुद्ध हों, बुरे कर्म हट जाएं, इसलिए हम परमात्मा की उपासना करते हैं। उपासना का कोई खाता नहीं होता है कि इतना बन गया और अब इतना बन गया तो अब इसको मुक्ति हो जाएगी, तो न तो कर्म से मुक्ति मिलती है न उपासना के आधार पर मुक्ति मिलती है, लेकिन ये दोनों सहायक अवश्य हैं। कर्म और उपासना को छोड़ करके मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन ये दो आधार भी नहीं बनते हैं। जैसे कि परीक्षा में कितने अंक आएंगे, उत्तीर्ण होगा या नहीं होगा, ये उस बात पे निर्भर करता है आपने वहां क्या लिखा या क्या बोला, आप कितने घंटे पढ़े, आपने किस अध्यापक से पढ़ा, आपने कितना प्रशिक्षण लिया, कितने कोचिंग सेंटरों में गए, इन बातों पे वो निर्भर नहीं करता है। ये अलग अलग व्यक्ति समय श्रम लगाते हैं, ऐसा ही योगाभ्यास में भी है। तो मुक्ति तो ज्ञान से मिलती है, इसलिए कर्म करते समय भी बहुत जागरूकता से जब हम देखते हैं, समझते हैं हाँ यहां दुख है, यहां वो बात नहीं है जो मैं चाहता था, भोग भोगते समय, कर्म करते समय, उपासना करते समय जागरूकता से जब ये किया जाता है तो ज्ञान बहुत शीघ्र पैदा होता है, और बस वही ज्ञान मुक्ति देने वाला होता है। नहीं तो कर्म करते रहेंगे, उपासनाएं करते रहेंगे, जागरूक नहीं है तो जन्म मरण चलता रहेगा। तो जिस जिसने भी विवेक को प्राप्त किया है, संस्कारों को दग्धबीज किया है, बस उसको मुक्ति हो जाएगी। और यहां ज्ञान का यह भी अर्थ ना लें कि जिसको संसार का सारे का ज्ञान है, संसार की विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान वो व्यवहार मात्र के लिए है। किसी को कपड़े बनाने का ज्ञान है, किसी को स्वेटर बनाने का ज्ञान है, किसी को रोटी बनाने का ज्ञान है, किसी को मशीन बनाने का ज्ञान है, किसी को मोबाइल चलाने का ज्ञान है, किसी के पास मोबाइल है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है, गाड़ी चलाना नहीं जानता है, उपग्रहों के बारे में नहीं जानता है, पेड़ पौधों के बारे में नहीं जानता है। ये इन चीजों की जानकारी न होना मुक्ति में बाधक नहीं है। मुक्ति में इन सब का ज्ञान होना मुक्ति के लिए अनिवार्य हो, ऐसा भी नहीं है। जिन वस्तुओं के साथ हमारा संपर्क होता है, जिनका हम उपयोग करते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए ताकि उनसे हानि ना हो और हम उचित उपयोग कर सकें। इतना ज्ञान आवश्यक है। अब जिसके पास गाड़ी ही नहीं है, उसको गाड़ी चलाने का भले ही ज्ञान ना हो, फिर भी वो मुक्ति को जा सकता है। तो संसार भर का ज्ञान इकट्ठा करना इस पक्ष में भी ना जाएं कि ज्ञान से मुक्ति होती है तो मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ जानना है, कोई आवश्यक नहीं है। मूल बात है अविद्या दूर हो, जो कि योग दर्शन और जो मैंने पहले आपके सामने रखी शास्त्रों के अनुसार, वो दूर होनी चाहिए। और जिसने भी उसको दूर कर लिया, चाहे दो जोड़ी कपड़े में कर लिया, चाहे 10 जोड़ी कपड़े में, चाहे 2 बंगलों में, चाहे 1 कमरे में रहते हुए, चाहे भोजन में 10 प्रकार के व्यंजन खा करके किया या 2 व्यंजन या रोटी सब्जी खा करके किया, उससे कोई अंतर नहीं आता है। अगला प्रश्न, मोक्ष प्राप्त करना भी क्या एक इच्छा ही है? अगर इच्छा ही है तो क्या फिर से हम मन में इस इच्छा की प्राप्ति के लिए राग या द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे? तो मोक्ष प्राप्ति करना, उसकी भी जो इच्छा है, तो इच्छा है वो, लेकिन वो इच्छा विद्या युक्त है, उचित है, इसलिए उस इच्छा में कोई दोष नहीं है।
उससे राग और द्वेष भी पैदा नहीं होते। राग और द्वेष क्लेशों में आते हैं, पांच क्लेश योग दर्शन में आपने पढ़े, अविद्या के कारण से पैदा होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये अविद्या से युक्त हैं। इसलिए प्रत्येक राग मुक्ति में बाधक नहीं होता और प्रत्येक द्वेष यानी अप्रीति मुक्ति में बाधक नहीं होती है। परमात्मा मुक्ति की कामना रखना, मुमुक्षुत्व, ये मुक्ति का साधन है। इसमें जो हमारी प्रीति बढ़ती है ये कभी भी बाधक नहीं होगी। और संसार में संसार के दोषों से पृथक रहना, इसे वैराग्य कहते हैं। ये भी अप्रीति है, एक तरह का द्वेष ही है ये, लेकिन विद्या युक्त है तो ये मुक्ति में बाधक नहीं बनता। कई जने एक अंश पकड़ लेते हैं कि इच्छा करेंगे तो राग होगा, इच्छा करी तो मुक्ति में बाधक होगा, तो बोले मुक्ति की भी कामना नहीं करेंगे, मुक्ति सुख की भी इच्छा कर दी तो मुक्ति की बाधा हो जाएगी, इसलिए मुक्ति की इच्छा ही नहीं करेंगे। ये गलत दृष्टिकोण अपना लिया, अति में चले गए। मुक्ति की इच्छा तो रखनी ही है, बिना इच्छा के तो हम कर्म कर ही नहीं सकते। विद्या युक्त इच्छा क्लेश वाले राग का कारण नहीं बनती है और न द्वेष का कारण बनती है, इसलिए ये तो हमें करनी चाहिए। अगला प्रश्न, कारण शरीर तथा सूक्ष्म शरीर के संबंध में थोड़ा सा समझाइए। तो हमारे शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर है जो अभी दिखाई देता है, जो मरने के बाद में यहीं रहता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। उसके साथ में एक शरीर और जाता है जिसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो दिखाई नहीं देता ऐसे। उसमें 18 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां। ये ज्ञानेन्द्रियां नहीं जो हमें दिखाई देती हैं, ये तो उसके गोलक हैं, ये तो भौतिक हैं। सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, 5 सूक्ष्म भूत जो प्रकृति के भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये स्थूल भूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, तन्मात्रा बोलते हैं उनको 15, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये अंतःकरण। बुद्धि मतलब ये बुद्धि नहीं जो हमारे मस्तिष्क में, इसमें ललाट में, खोपड़ी में रहती है, ये तो स्थूल गोलक है। सूक्ष्म जो बुद्धि है वो इंद्रिय, ये 18 चीजें आत्मा के साथ में जाती हैं, इनको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सृष्टि जब बनती है प्रारंभ में, तब ही सूक्ष्म शरीर आत्मा को मिल जाता है, और प्रलय तक वो ही सूक्ष्म शरीर चलता रहता है। जब प्रलय होती है तो वो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है, फिर जब अगली सृष्टि होती है तो फिर से सूक्ष्म शरीर परमात्मा देता है, वैसा का वैसा, उसी तरह के संस्कारों वाला, उसी तरह के कर्माशय वाला सूक्ष्म शरीर परमात्मा उसको फिर से देता है। मुक्ति से जब आत्मा लौटती है, चाहे सृष्टि के बीच में, तब भी उसको सूक्ष्म शरीर परमात्मा देता है और वो चलता रहता है। और सृष्टि के मध्य में भी जब कोई जीवन मुक्त हो जाता है, मुक्ति में जाता है, तब भी सूक्ष्म शरीर उससे अलग हो जाता है और उससे स्वतंत्र मुक्ति में जाता है। ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में हमारे समस्त संस्कार रहते हैं, कर्माशय रहते हैं, जो भी राग द्वेष आदि के संस्कार हैं, ज्ञान हैं, तो ज्ञान और कर्म के संस्कार दोनों उसके हमारे साथ साथ में चलते हैं। तो अगले जन्म में हम पिछले जन्म के संस्कार के अनुरूप उसी दिशाओं को पकड़ते हैं, सबकी अलग अलग दिशाएं बनती हैं। एक शरीर और है, कारण शरीर है। महर्षि दयानंद ने सत्यात प्रकाश के 9वें समुल्लास में इसका उल्लेख किया है और उसके वर्णन में उन्होंने लिखा कि यह सूक्ष्म शरीर क्या होता है, जिसमें सुषुप्ति होती है यानी गाढ़ निद्रा होती है, जो प्रकृति रूप होने से सबका एक है, विभू है, वो सबके लिए एक ही है,
तो ये कारण शरीर का मतलब है परमात्मा, शरीर का मतलब है जिस जो हमारा आधार बनता है। तो जैसे ये शरीर हमारा आधार बनता है, सूक्ष्म शरीर भी आधार बनता है, ऐसे परमात्मा भी हमारा आधार है और वो ही सबके लिए एक है। ये कारण शरीर सब आत्माओं का एक ही है, अलग अलग नहीं है। स्थूल शरीर अलग होता है, हर आत्मा के लिए अलग अलग होता है, सूक्ष्म शरीर भी हर आत्मा के लिए अलग अलग होता है, लेकिन कारण शरीर के लिए महर्षि ने लिखा ये सब आत्माओं का एक ही होता है, वो परमात्मा। अन्य शरीर यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एक देशी होते हैं, किसी एक स्थान में होते हैं, सर्वत्र फैले हुए नहीं होते हैं। लेकिन इस कारण शरीर के लिए महर्षि ने लिखा वो विभू होता है, सर्वत्र व्यापक होता है, वो परमात्मा ही हो सकता है। और इसमें गाढ़ निद्रा यानी सुषुप्ति होती है, तो उसकी पुष्टि भी हमें शास्त्र में मिलती है, सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। हमारी ब्रह्म रूपता, ब्रह्म जैसे, परमात्मा जैसे हम कब बन जाते हैं? तो एक तो समाधि, समाधि में होते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है, फिर सुषुप्ति, और तीसरा कहा मोक्ष। मोक्ष में भी हम ब्रह्म रूप रहते हैं, आनंद को प्राप्त हैं, परमात्मा का आनंद हमें मिलता है। तो ये दो चीजें तो हमें पता है, समाधि और मुक्ति, लेकिन सुषुप्ति भी वहां पर लिखा है। सुषुप्ति में भी ब्रह्म रूपता होती है। स्वप्न को छोड़ दीजिए, जो गाढ़ निद्रा होती है उसमें हर आत्मा परमात्मा के निकट चला जाता है, उसी के आश्रय से रहता है, और उसके बिना हम जी भी नहीं सकते। और वेदांत दर्शन में भी आता है, वहां प्रश्न उठाया है कि सोता है तो कहां चला जाता है ये आत्मा, जब सोता है कहां चला जाता है ये, एक कोई पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं, शरीर कौन सा है, स्त्री है पुरुष है, गरीब है अमीर है, मूर्ख है विद्वान है, सब तो चीजें समाप्त हो जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता, ये चला कहां जाता है, ये जो इतना सक्रिय था, सब कुछ काम कर रहा था, और फिर सोने के बाद में जब उठता है गाढ़ निद्रा से, तो ये कहां से आ जाता है, फिर से वैसी क्रियाएं करने लगता है। तो उपनिषद के आधार पर और वेदांत दर्शन के सूत्र में परमात्मा का कहा कि परमात्मा में ही जाता है और परमात्मा से ही निकल के आता है ये। तो गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में हम परमात्मा की सन्निधि को प्राप्त करते हैं, वो सौभाग्यशाली हैं जिनको गाढ़ निद्रा आती है। तो ये है वो कारण शरीर जो सब सुषुप्ति जिसमें होती है, हम वहां पहुंचते हैं प्रतिदिन, परमात्मा के उस सन्निकट के होने बिना हम रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते हम। स्वामी जी प्रातःकाल भी बोल रहे थे कि कौन श्वास ले सके यदि ये आकाश आनंद ना हो, कौन जी सके, परमात्मा के बिना हम नहीं जी सकते। तो कारण शरीर ये परमात्मा स्वयं है, विभू है और एक है। तो समय हो गया है, कल आखिरी कक्षा है, उसमें यथासंभव सभी को पूरा करने का प्रयास रहेगा। तीन बार ओम का उच्चारण, ओ Namaste.